आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा के रेलवे पुल पर हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाइक और ऑटो में टक्कर हो गई, ऑटो रेलिंग को तोड़ता हुआ लटक गया। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सबसे पहले आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, किस तरीके से ऑटो और बाइक में टक्कर होती है, ऑटो बेकाबू हो जाता है और रेलिंग को तोड़ता हुआ पुल से लटक जाता है। ऑटो चला रहा व्यक्ति ऑटो का शीशा तोड़कर पुल के नीचे गिर जाता है। देखिए किस तरीके से यह हादसा हुआ, फिर से देखिए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच जाती है, लोग दौड़ पड़ते हैं। ऑटो में बैठी सवारी घायल होकर पुल पर गिर जाती है, जबकि ऑटो चला रहा व्यक्ति ऑटो का शीशा तोड़कर पुल से नीचे गिर जाता है। पूरी वारदात पास ही स्थित होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोग बताते हैं कि आए दिन हादसे होते हैं, कई लोगों की जान इस पुल पर जा चुकी है। पुल सकरा है और ट्रैफिक बढ़ गया है, इसके चलते हादसे होते हैं। लंबे समय से पुल को चौड़ा करने की मांग भी की जा रही है। ये ऑटो आ रहा था, बरसात का टाइम था, पानी पड़ रहा था तेज, इधर से मोटरसाइकिल आ गई, दोनों में एक्सीडेंट हुआ और बरसात की वजह से वो रेलिंग तोड़ के पुल पर लटक गया ऑटो पूरी तरह। ड्राइवर नीचे गिर गया था, ड्राइवर नीचे गिर गया, शीशे में से निकल गया और ड्राइवर जितना गिरा तो उसके बहुत ही चोट आई है। आए दिन कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं। मैं और यहाँ चलने वालों को भी परेशानी है, बहुत कोई सेफ्टी नहीं है और ये सारी रेलिंग टूट गई है और ये पुल बड़ा होना चाहिए, यहाँ से बड़े वाहन जा नहीं पाते। थाना सागज अंतर्गत आगरा कैंट रेलवे पुल आता है, घायल ऑटो चालक और सवारी को अस्पताल पहुँचाया जाता है। गनीमत ये रहे कि हादसा पुल पर चढ़ते समय हुआ, यदि और ऊंचाई पर होता तो हादसा और बड़ा हो जाता। ये भी गनीमत रही कि जिस समय हादसा हुआ उस समय पुल पर ट्रैफिक कम था, बारिश के चलते और लॉकडाउन के चलते कम लोगों का आवागमन था, अन्यथा दूसरे वाहन भी चपेट में आ सकते थे। आगरा कैंट रेलवे पुल पर हादसा होना कोई नई बात नहीं है, अक्सर इस पुल पर हादसे होते हैं। तमाम लोगों की जान भी इस रेलवे पुल पर जा चुकी है। कई सारी वजह हैं, ट्रैफिक बढ़ गया है, पुल सकरा है, पुल को चौड़ा करने की आवश्यकता है, कम खर्चे पर भी पुल को चौड़ा किया जा सकता है। दरअसल जो फुटपाथ है वो करीब 1 मीटर से अधिक है, दोनों तरफ फुटपाथ है और नाली भी है। यदि फुटपाथ को ख़त्म कर दिया जाए और पुल को चौड़ा कर दिया जाए तो कम खर्च में काम हो सकता है। फुटपाथ आगे लेंटर डालकर बनाया जा सकता है, लेकिन ये अफसरशाही है, अफसरशाही के आगे कम खर्चीला काम नहीं चल सकता। यही वजह है कि हादसे हर रोज यहाँ के लोग देख रहे हैं। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज़ आगरा।